हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आस्था एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ जोश मनी। अब आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जिसकी आज के टाइम पे लोगों में बहुत ज्यादा जरूरत है। जी हाँ, इस टाइम इंडिया में स्टार्टअप की एक वेव आई हुई है। इकोनॉमिक सर्वे की 2021-22 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 में इंडिया में 14,000 स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज किए गए हैं, जिसमें से 44 यूनिकॉर्न्स लिस्टेड हैं। इसके अलावा वर्ल्ड में यूएस और चाइना के बाद इंडिया में ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। तो इन्हीं सब बातों को कंसिडर करते हुए भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम शुरू की थी। अब हमारे देश में आइडियाज तो बहुत ही सारे लोगों के पास हैं, लेकिन उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिसोर्सेज की कमी भी होती है। तो इसीलिए हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको भी ऐसे ही अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना है तो उसमें रिसोर्सेज की कमी आ रही है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। अब ये जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम क्या है। अच्छा, जब से हमने टीवी पर शार्क टैंक देखा है तब से हम सभी में कहीं ना कहीं एक एंटरप्रेन्योर सा जाग गया है ना। अब हमें भी ऐसा लगता है कि यार हमें भी एंटरप्रेन्योर बनना है और लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ इनोवेटिव करना है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे आइडियाज वहीं पे रुक जाते हैं जस्ट बिकॉज हमें कहीं से फंडिंग नहीं मिल पाती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम शुरू की थी। अब इस स्कीम में कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद हम अपने बिजनेस आइडियाज के लिए गवर्नमेंट से ग्रांट या फिर एक लोन ले सकते हैं, वो लेने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब इस स्कीम के लिए गवर्नमेंट ने 945 करोड़ का बजट एलोकेट किया है, जिसके थ्रू हम अपने स्टार्टअप के लिए 20 लाख तक की ग्रांट और 50 लाख तक के फाइनेंशियल असिस्टेंस डेट या फिर लोन ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि इस स्कीम में किस किस चीज के लिए हमें ग्रांट या फिर लोन मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको अपने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को वैलिडेट करना होता है। अब जैसे ही आपका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट वैलिडेट हो गया तो उसके बाद आपको उसका प्रोटोटाइप डेवलप करना होगा। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ये समझते हैं कि प्रोटोटाइप क्या होता है। अब प्रोटोटाइप बेसिकली आपके आइडिया का एक टेस्टिंग प्रोडक्ट होता है, जो कि एग्जामिन करने के लिए बनाया जाता है कि प्रोडक्ट जैसा सोचा गया था वैसे फंक्शन कर रहा है या फिर नहीं। अब अगर उसमें कुछ डिफॉल्ट आते हैं तो उससे फीडबैक के साथ दोबारा बनाया जाता है। तो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए भी आपको फंडिंग इस स्कीम के थ्रू ही मिल जाती है। अब उसके बाद जो प्रोडक्ट बनाते हैं हम, उसके रिलेटेड ट्रायल के लिए भी जो पैसा चाहिए होता है वो भी हमें इस स्कीम के थ्रू ही मिल जाता है। और उसके बाद हमारा अगला गोल होता है मार्केट एंट्री। तो अपने प्रोडक्ट की मार्केट एंट्री के लिए भी हमें पैसे इस स्कीम के थ्रू ही मिल जाते हैं। अब मार्केट एंट्री के बाद अगला स्टेप आता है बिजनेस की कमर्शियलाइजेशन, यानी कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, कस्टमर सपोर्ट एक्सेट्रा। तो कमर्शियलाइजेशन के लिए भी हमें पैसा इस स्कीम में मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि इस स्कीम में ग्रांट या फिर लोन के लिए कौन कौन से स्टार्टअप एलिजिबल होते हैं। अब सबसे पहली एलिजिबिलिटी है कि हमारा स्टार्टअप DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अब अगला है कि जब भी हम स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं तो तब तक हमारी कंपनी 2 ईयर्स से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद अगली एलिजिबिलिटी कंडीशन है कि आपने किसी भी स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से 10 लाख से ज्यादा का फंड ना रेस किया हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऑलरेडी किसी स्टेट गवर्नमेंट से या फिर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही किसी और स्कीम के जरिए 10 लाख से ज्यादा की मदद ली हुई है तो आपका स्टार्टअप इस स्कीम के लिए ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब इसके अलावा जब भी आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हो तब तक आपके स्टार्टअप में इंडियन प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 51% या फिर इससे ज्यादा होनी चाहिए। अब नेक्स्ट एलिजिबिलिटी है, हमारा बिजनेस आइडिया ऐसा होना चाहिए जो कि मार्केट में फिट हो। अगला है, हमारे प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए। वैसे तो इस स्कीम में कोई भी सेक्टर स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर्स हैं जिन पर ज्यादा फोकस किया है। तो आपका बिजनेस किसी भी सेक्टर का हो सकता है, दैट डजंट रियली मैटर, लेकिन गवर्नमेंट ने जो सेक्टर स्पेसिफाई किए हैं वो है डिफेंस, टेक्सटाइल्स, सोशल इम्पैक्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, एजुकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ केयर और बायोटेक्नोलॉजी। अब ऐसे ही और भी कुछ सेक्टर्स स्पेसिफाई किए गए हैं, लेकिन आप इनके अलावा भी और सेक्टर्स में अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं।
अब इसके साथ ही साथ इस स्कीम में ग्रांट या फिर लोन हमें एक ही बार मिलेगा, तो एक ही बार में हम फाइनेंशियल सपोर्ट लेकर अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इसमें फंडिंग यानी कि ग्रांट कितना मिलेगा। इसमें हमें 20 लाख तक का ग्रांट मिलता है शुरू के 3 स्टेप्स के लिए, यानी कि वैलिडेशन, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और प्रोडक्ट ट्रायल के लिए। अब इन 3 स्टेप्स के लिए हमें 20 लाख तक का ग्रांट मिलता है। अब जैसे जैसे हमें इन स्टेप्स में फंड्स की जरूरत होगी, उसी अकॉर्डिंग इस 20 लाख में से हमें किस्तों में ये फंड्स एक्शन किए जाएंगे। इसके अलावा 50 लाख तक का हमें अपने नेक्स्ट 3 स्टेप्स के लिए, यानी कि मार्केट एंट्री, कमर्शलाइजेशन और बिजनेस को स्केल अप करने के लिए 50 लाख तक का डेट मिलेगा। तो जिस तरीके से हमें अपने बिजनेस को मार्केट में एंट्री के लिए या फिर उसकी कमर्शलाइजेशन के लिए या फिर स्केल अप करने के लिए फंड्स की जरूरत होगी, तो उसी अकॉर्डिंग हमें अप टू 50 लाख तक का डेट मिलेगा। चलिए अब जानते हैं कि इस स्कीम में हम अप्लाई कहां से करेंगे। तो इसके लिए ना ही हमें बैंक्स के चक्कर काटने की जरूरत है और ना ही हमें बार बार गवर्नमेंट के ऑफिस में जाना होगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने इनक्यूबेटर्स को फंड्स प्रोवाइड किए हुए हैं जो कि फर्दर हमें फंड्स देंगे। अब पहले तो इनक्यूबेटर्स को थोड़ा सा जानते हैं। तो बेसिकली इनक्यूबेटर्स एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं। ये स्टार्टअप्स को फंड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो अपना बिजनेस डेवलप कर सके। तो गवर्नमेंट ने इन इनक्यूबेटर्स को इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए हुए हैं और इस स्कीम में इनक्यूबेटर्स के लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन गया है। हम अभी वहां पे नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हमें स्टार्टअप के लिए फंड्स चाहिए, ना कि हमें फंड्स देने हैं। तो अगर हम स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम 2022 की बात करें तो गवर्नमेंट ने 300 इनक्यूबेटर्स को ग्रांट दिए हैं जो कि 3600 एंटरप्रेन्योर्स को इस स्कीम के थ्रू उनका स्टार्टअप बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। और इसमें भी हमें एक लिमिट दी गई है, हम मैक्सिमम 3 इनक्यूबेटर्स को अप्लाई कर सकते हैं और उन्हीं 3 में से कोई एक हमें फंडिंग ग्रांट कर सकता है। और इसके लिए अप्लाई हमें स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर करना होगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये इनक्यूबेटर्स क्या देखकर हमें फंड्स ग्रांट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारे आइडिया की यूनिकनेस। हमारा आइडिया हमेशा ऐसा होना चाहिए जो कि लोगों की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सके या फिर उस आइडिया की जरूरत अभी सोसाइटी में हो। फिर देखा जाएगा कि हमारा आइडिया जो है वो फीजिबल है या फिर नहीं। अगर हमारे आइडिया की फीजिबिलिटी होगी तभी तो इनक्यूबेटर्स हमें फंड देंगे। और नेक्स्ट है कि हमारा आइडिया कितने लोगों पर इम्पैक्ट डाल सकता है और उसमें पोटेंशियल है या फिर नहीं। इसके बाद देखा जाता है कि आपके आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास टीम है कि नहीं और जो टीम है वो कितनी कैपेबल है। इसके साथ ही साथ एक बहुत ही जरूरी चीज भी नोटिस की जाती है जो कि है कि आपने फंड्स को किस तरीके से यूटिलाइज करने का सोचा है। इसके अलावा कुछ इनक्यूबेटर्स के अपने अलग अलग क्राइटेरियाज भी होते हैं, तो अगर आपका स्टार्टअप आइडिया इन सभी क्राइटेरियाज को फुलफिल करेगा तो ही आपके बिजनेस को ग्रांट मिल सकता है। तो ये थी स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपके पास भी इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट या फिर एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास फंड्स नहीं है, तो आप स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम में जरूर अप्लाई कीजिए और इसके साथ ही साथ अपनी एंटरप्रेन्योर बनने की जर्नी को स्टार्ट कीजिए। अपने इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए मैं आस्था चलती हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।